तो हेलो गाइज, एक नई वीडियो में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम का लिंक कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो को शुरू। गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। गाइज, जैसे ही आप इसको ओपन कर लोगे, इसके बाद यहाँ नीचे आपको अपने प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे ही क्लिक कर दोगे, इसके बाद यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे ही क्लिक कर देते हो, तो इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहीं पर भी जो है इसका लिंक जो है वो कॉपी करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो गाइज, इसके लिए यहाँ से आपको चले आना है बैक। बैक आने के बाद गाइज, यहाँ पे आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गाइज, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, इसके बाद गाइज यहाँ सर्च बार में आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम लॉगिन आपको सर्च कर लेना है। तो गाइज, जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, इसके बाद गाइज यहाँ पे आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट है इस तरीके से आ जाएगी। तो गाइज, आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ से वापस से आपको क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज, यहाँ से आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख लेना है। लिखने के बाद गाइज यहाँ से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइज, इसके बाद यहाँ पे आपको जो नीचे वाला ऑप्शन है नॉट नाउ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। गाइज, यहाँ से आपका जो इंस्टाग्राम है वो डेस्कटॉप वर्जन में ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद गाइज यहाँ नीचे आपके आपके प्रोफाइल का फोटो मिल जाएगा। तो गाइज, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ ऊपर अभी आप देख सकते हैं कि आपके इंस्टाग्राम का जो लिंक है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो गाइज, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस गाइज, जैसे ही क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल चुका है। तो गाइज, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो कॉपी हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट करके भी दिखा दूँ। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है यहाँ पे इस तरीके से कॉपी हो चुका है। तो गाइज, इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो कॉपी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से।